आप खुद देखिए। सचिन की हंसी छीन ली गई, तोड़ दिया गया सचिन का भरोसा। सचिन के साथ विश्वासघात। Enjoy the game and chase your dreams. I think dreams do come true. I had to wait for one for 22 years. We won the World Cup after 22 years of international cricket. So dreams do come true. So don't stop chasing your dreams. सचिन का पहला मुजरिम इरफान पठान। सचिन को 100वें शतक पर पारी फेरने के लिए इरफान का एक ओवर ही काफी था। He's got three for a six. What a shot! अपने आखिरी ओवर में पठान ने फुल टॉस देकर दो छक्के खाए और 17 रन लुटा दिए। बांग्लादेश के लिए जीत की घंटी इसी ओवर में बज चुकी थी। पठान ने मीरपुर में 9 ओवर में 6.77 की औसत से 61 रन खर्च किए और एक भी विकेट हासिल नहीं किया। सचिन का दूसरा मुजरिम अशोक डिंडा। विनय कुमार की जगह धोनी ने अशोक डिंडा को मौका दिया, लेकिन इस गेंदबाज को खिलाना धोनी की भारी भूल साबित हुई। सचिन के 100वें शतक पर हार का नमक छिड़कने वाले डिंडा ने 5.2 ओवर में 7/51 रेट से 38 रन लुटा दिए। बांग्लादेश की पारी के 37वें ओवर में डिंडा ने 18 रन दिए। ये मैच का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। सचिन का तीसरा मुजरिम प्रवीण कुमार। मैच में प्रवीण कुमार का ये प्रदर्शन देखिए, 10 ओवर 53 रन और 3 विकेट। लेकिन ये आंकड़े प्रवीण कुमार के आखिरी ओवर के सामने छोटे पड़ जाते हैं। 49वें ओवर में प्रवीण ने 14 रन खर्च कर दिए और जरा इनकी गेंदबाजी देखिए, न लाइन न लेंथ, गेंदबाजी करना भूल ही गए प्रवीण। सचिन का चौथा मुजरिम आर अश्विन। अश्विन को ऐसी विकेट पर गेंदबाजी करनी थी जो धीमा था और जहां फिरकी गेंदबाजों को मदद भी मिल रही थी, लेकिन अपने 10 ओवर में भी अश्विन के हाथ आया तो बस एक विकेट, वो भी 56 रन खर्च करने के बाद। मैच शुरू होने से पहले ही बांग्लादेश टीम के कप्तान ने टीम इंडिया की गेंदबाजी को दोयम दर्जे का बता दिया था और मैच के दौरान बांग्लादेश ने ये साबित भी कर दिया कि टीम इंडिया के गेंदबाज रन लुटाने में माहिर हैं।